गुमला के रायडी प्रखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गुमला गिरिडीह प्रखंड में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रोड में रखकर सड़क जाम कर दिया और हथियारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक का नाम अब्दुल अंसारी है और वह महुआ टोली का रहने वाला है। जानकारी मिलने के बाद वरीय प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसलिए सभी चालक बंधुओं से अनुरोध है कि अपने अपने गाड़ी में चले जाए। आपका माए को और आपका बाप को ले जा रहा था और दो चार जन और जा रहा था ना, यानी कि लिखा पढ़ी करने के लिए। आक्रोशित ग्रामीण अपराधी के गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं घटनास्थल में जिले के एसडीओ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने का भरपूर प्रयास किया। इधर मृतक के परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ उचित मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। तो कल गाड़ी चलाने का बोला कि हम घर से 3:30 बजे हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, फिर इमरान छोड़ के आया उसको मांझा टोली। छोड़ने के बाद इमरान को घर भेज दिया और बोला हम अपने नवीन का गाड़ी चलाएंगे, आज हम घर नहीं जाएंगे। उसके बाद सुबह हम लोग को सूचना मिला कि वहाँ पे लाश लटका हुआ है, सही मुफ्ती अंसारी था। कैसे मारा गया उसको? उसको 20 जगह मारा गया है, जिसे देखे हम लोग थाना लाया था, पंचनामा कर रहा था, उसमें गोली से उसको चारों तरफ वार किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।